बन गई सूरज और केसर की जोड़ी। केसर के लिए धड़कता कबीर का दिल। प्यार में शुरू हुई मुश्किल, टीवी के सीरियल क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है में आज राजकौर परिवार में रखी गई है पार्टी, क्योंकि केसर ने सूरज से शादी करने के लिए हाँ जो कहती है। ऐसे में अंबिका ने घर में पार्टी रखवाई है और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है खुद कबीर ने। ये पार्टी बेहद खास है क्योंकि ये मैस्करेड पार्टी है, सभी के चेहरे पर मास्क है। पार्टी हो और नाच गाना ना हो भला कैसे हो सकता है। जरा देखिए कैसे रिश्ते में बंधने वाले सूरज और केसर एक दूसरे का हाथ थामे कर रहे हैं रोमांटिक डांस, वो भी सभी के सामने। ये टाइम है कड़क चाय विथ कबीर एंड केसर, तो कड़क ट्विस्ट के साथ ये चाय पी जा रही है, राइट? Yes. क्योंकि शादी में जो है वो ट्विस्ट आ गया है, या कहे शादी ही ट्विस्ट लेके आई है। हमें लगता है कि ट्विस्ट ही लेकर के आई है शादी, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद में शादी आई है, और अभी ये भी नहीं पता कि शादी किस मोड पे जाएगी। So we are here to spill the tea. तो क्या बोलना चाहेंगे स्पिल द टी में, क्या हो? फिलहाल तो अभी बहुत जश्न हो रहा है, एज यू कैन सी वी ऑल ड्रेस्ड अप इन ग्लिट्स एंड ग्लैमर। एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है केसर के लिए, विच इज़ अ सरप्राइज पार्टी, और वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है कबीर मासू के साथ मिलकर। पर ये है इनके लिए फुल चन्ना मेरेया मोमेंट, बिकॉज ये कर रहे हैं मेरी शादी सेलिब्रेट किसी और के साथ। बेचारा कबीर अपना हाले दिल लिए इंतजार कर रहा है मौके का कि कब सभी के सामने वो सूरज का सच बयां करे। फिलहाल तो डांस के दौरान हो गए हैं पार्टनर्स एक्सचेंज, और इसी बीच केसर डांस करते करते पहुंच गई है कबीर के सामने, जिसे देखकर कबीर की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। कितना रणबीर वाला फील आ रहा है? मेरे को तो अभी कबीर वाला ही आ रहा है, सच कहूँ तो। रणबीर वाला वो मूवी अलग थी, ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है। कबीर की जर्नी बहुत अलग रही है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कबीर को पता है कि सूरज केसर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, और वो उसके साथ कुछ भी उसकी लाइफ में, मतलब खुशियाँ तो बहुत दूर की बात है, जो उसके चेहरे की हंसी है वो भी छीन लेगा। तो वो उसको प्यार था लेकिन उसे पता नहीं था, जब उसे पता चला तो सूरज आया तो उसको समझ में आया अच्छा लड़का नहीं है, वो केसर को बता ही नहीं पा रहा है। और उसके बाद जो भी चीज़ सूरज और कबीर के बीच में हुई है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए, तो वो सारी चीज़ें उसको पता है कि उसने केसर के लिए क्या क्या बुरा किया, बट इन लोगों को नहीं पता है। और मैं वो बताना चाह रहा हूँ, बट वो क्या मैं बता पाता हूँ या नहीं बता पाता, वही सारे ट्विस्ट चल रहे हैं अभी कि क्या। और वो अपना प्यार का इजहार करने भी आता है केसर को बिना उम्मीद के साथ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे प्यार को हाँ बोलो या ना बोलो, मतलब एक बार सुन लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ वो बोलने आते हैं और यहाँ मैं उन्हें बता देती हूँ कि मैं शादी कर रही हूँ। बेचारा कबीर
ना ही अपने प्यार का इजहार कर पाया और ना ही सूरज का सच सभी के सामने बयां कर पाया। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, जहां पर गुस्साया सूरज आकर सीधा टूट पड़ता है कबीर के ऊपर और कबीर और सूरज के बीच होती है छोटी सी झड़प। इसी बीच केसर भी ऐलान कर देती है कि वो सूरज से शादी नहीं करेगी, उसका ये रवैया देखकर। मासूम, ये सूरज नहीं है, इतना गुस्सेल, इतना खतरनाक, मैं इसे शादी नहीं कर सकती मासूम। जो वो मेरे सामने है वो केसर के सामने नहीं है, वो केसर के सामने कैसे अच्छा दिखना है उसे पूरा अच्छे से आता है, तो वो वही चीज कर रहा है, मैं उसी को वही बताने वाला हूँ कि जो तुम सोचे वैसा नहीं है। तो वो बीच में आता है तो मास को ये भी लगता है कि आज केसर इतनी खुश है और मैंने ही उसके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो आज के दिन मैं उसको ये बताकर उसका मूड कैसे खराब करूँ। तो बेचारा कॉन्फ्लिक्ट में है कि बताऊँ तो भी दिक्कत, नहीं बताऊँ तो भी केसर को दिक्कत। बट वो मार पिटाई भी शुरू हो गई है, मतलब अब जो सूरज जो है वो कि उसकी केसर के पास कबीर कैसे पहुंच गया। हाँ मतलब वो सूरज और कबीर ये दोनों तो कोई मौका छोड़ते नहीं है मारपीट करने का, फिर चाहे वो रियल में हो चाहे ड्रीम में हो। बट हाँ सूरज पूरी कोशिश करेगा कि कबीर ना बता पाए और कबीर कोशिश करता रहेगा कि वो बता दे। तो यही है, हमें भी अभी देखना है, हम खुद भी बहुत एक्साइटेड है देखने से के लिए। पहले किस हद तक कौन जाता है, कौन बताने जाता के लिए या ना बताने के लिए, सारी कहानी पता चलता है नहीं चलता है, शादी होती है नहीं होती है, वही सब हम वेट कर रहे हैं जानने के लिए। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं कि जिसमें मतलब आप सब लोगों को इमोशनल, आप सब इमोशनल 100% हो जाएंगे। फिलहाल तो ये फाइट सीक्वेंस सूरज का सपना है, उसे डर है कि कहीं केसर इस शादी के लिए मना ना कर दे, इसीलिए फिलहाल वो शांत रहेगा। अब देखना होगा कि क्या कबीर को मौका मिलेगा सभी के सामने सूरज का सच बयां करने का। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां।